विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के स्थगन के बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे मीडिया से रूबरू हुए। आइए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं। घटना घटित होने के बाद में आज उसका जो स्वरूप आपके सामने दिखाई दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ये पहली घटना होगी कि चलते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष जो कदावर मंत्री है वो सरकार के ऊपर स्पष्टीकरण मेरी स्थिति स्पष्ट करे, इस बात को लेकर के यदि मंत्री उठ करके चला जाए और ये कहे कि जब तक सरकार मेरी स्थिति स्पष्ट न करे मैं इस कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा। सदन के आसंदी में वे विराजमान है और उस बीच के उठ करके चले जाना बड़ी घटना है। यदि उनको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे विश्वास होगा। बहुत दिनों से ये पहली अभी आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी कांग्रेस के अंदर में जो गुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का एक मिनट भी अधिकार नहीं है। इन्होंने जब अपने मंत्री का विश्वास खो दिया तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कैसे इनके ऊपर रहेगी, तो इन्होंने जना विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार को रिजाइन करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी माननीय टीएस सिंहदेव साहब का पूरा वक्तव्य आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं। जब इस मामले को प्रतिपक्ष ने उठाया था, कल भी चर्चा हुई थी, तब दो बातें हुई थी। पहली बात ये हुई थी घटना चक्र पे गृह मंत्री का बयान के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कहा था, और दूसरी बात ये हुई थी कि माननीय विधायक बृहस्पत सिंह जी की सुरक्षा के बारे में प्रतिपक्ष ने चिंता व्यक्त किया था। और दोनों मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि गृह मंत्री का वक्तव्य भी आएगा और न केवल माननीय बृहस्पत सिंह जी की, इस प्रदेश के सभी विधायकों और आम जनता की सुरक्षा की चिंता सरकार को है। आज जब गृहमंत्री जी का वक्तव्य आया तो सामान्य जो घटना चक्र होता है उसी पे उनका वक्तव्य था, और गृह विभाग का वक्तव्य तथ्यों के आधार पे ही होता है और जो तथ्य सामने थे, जो एफआईआर हुआ था उसके आधार पे सही वक्तव्य दिया गया था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ बातों को उल्लेख करते हुए ये जरूर कहा कि इसमें कुछ और बिंदुओं का समावेश हो जाना था। हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण वक्तव्य को जिस तरीके से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष की मांग पर सदन में घोषणा किए थे कि गृह मंत्री का वक्तव्य आएगा, तो उसके बाद इसको पटाक्षेप माना जाना चाहिए था। और लगभग आज विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया था। प्रश्न केवल ये था कि माननीय सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमने ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। किस बात का स्पष्ट अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे कि किन बिंदुओं पे बयान के आधार पे या केवल प्रतिपक्ष के कथन के आधार पे या केवल मीडिया की चर्चा के आधार पे किन बिंदुओं पे वो पटाक्षेप की बात कहते हैं, ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से चर्चा होने के बाद ही आपको पता लगेगा। सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बयान दे दिया है कि न केवल विधायक बृहस्पत सिंह जी बल्कि सभी विधायक और इस पूरे प्रदेश